दोस्तों आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क 13। अगर आप दुनिया की सबसे डरावनी और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की एक सच्ची घटना के बारे में जानते हैं। रमन पूरे दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद अपने घर की ओर निकलता है। रमन अपने पूरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छी से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह इसके बावजूद बेहद खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी हो गई थी। वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए वह रास्ते से कुछ खाने के लिए ले जाएगा। रमन अपने परिवार से बेहद प्रेम करता था। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता था ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज रमन को बहुत खून आ रहे थे। ये सब फोन उसके घर से ही आ रहे थे। रमन के बच्चे उसे फोन कर जल्दी आने को कहते थे, क्योंकि वह अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। रमन के बच्चे रमन को लगातार 2 घंटे से फोन कर रहे थे। रमन उन्हें हर फोन पर मना कर देता, क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और ज़्यादा कमा ले ताकि वो अपना जन्मदिन अच्छे से मना सके। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। रमन को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। रमन ने सोचा कि शायद अब उसे कोई सवारी नहीं मिलेगी। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद अब उसने 1400-1500 की कमाई कर ली थी। अब वह अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने रास्ते में ढाबे से कुछ खाने के लिए लेकर जाने का सोचा था। रात का वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। ये रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा से बातें करवा रहा था। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसकी आँखों के सामने पड़ी। रमन ने रोशनी से बचने के लिए अपने ऑटो का हैंडल एकदम से मोड़ दिया। अंधेरा होने के कारण उसे ये मालूम ना चला कि उसका रास्ता अब बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब जा रहा था, रास्ते की एक खास बात थी। जिस रास्ते से रमन का गहरा संबंध था, 30 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। रमन को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी धुन सुनाई देती है। उसे अपना वही सफर फिर से याद आने लगा। रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। वह आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। अचानक उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देखकर रमन बेहद घबरा गया। रमन की आंखें बंद हो गई। जब रमन ने अपनी आंखें दोबारा खोली तो वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। फिर अचानक उसी लड़की ने रमन के कंधे पर हाथ रख दिया। उस सर्दी की रात में डर की वजह से रमन पसीने से पूरी तरह से भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलोगे? रमन डरते हुए जवाब में ना कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। रमन डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने घर फ़ोन करने की कोशिश करता है। उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता। वो लड़की कहती है, जहां पर मोबाइल नहीं चलेगा। रमन उस वक्त हद से ज़्यादा डर जाता है जब वो अपने शीशे में देखता है कि
उस लड़की का चेहरा और लड़की का शरीर उसके शीशे में दिखाई नहीं दे रहा। रमन उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो पेड़ से टकरा जाता है। रमन की मौत हो जाती है। पूरी रात रमन की कोई खबर ना मिलने से रमन के बच्चे और रमन की पत्नी बेहद दुखी और चिंता में थी। तभी उनका एक पड़ोसी उसके पास आता है और रमन की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है, क्या कल रात रमन काली पहाड़ी के इलाके से आ रहा था? रमन की पत्नी कहती है, उसे नहीं मालूम, लेकिन ये रमन नहीं हो सकता। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वह इतने भरोसे से इसलिए कह पा रही थी कि क्योंकि अखबार में मरने वाले की फोटो नहीं थी। रमन के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। तस्वीर रमन की लाश की थी। मृतक रमन की तस्वीर देखकर रमन की पत्नी खुद को रोक नहीं पाती। बच्चे भी बेहद ज्यादा रोने लगते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, देखिए हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपकी यह सहायता करने ही आए हैं, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। रमन की पत्नी पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि रमन ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? रमन की पत्नी कहती है कि आज से तकरीबन 30 साल पहले से, आज ही अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था। शादी के कुछ महीने बाद उन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। उससे पहले रमन के मामा जी ये ऑटो चलाया करते थे। रमन के मामा जी अब लोगों को ऑटो रिक्शा किराए पर चलाने के लिए देते हैं। पुलिस रमन की पत्नी से पूछताछ करने के बाद रमन के मामा के पास पहुंचती है। रमन के मामा पूर्व ऑटो यूनियन के प्रधान रह चुके हैं। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस वालों ने सख्ती से पूछा तो उन्होंने बताया कि रमन के जन्मदिन के दिन ही हमने इसे ऑटो लेकर दिया था और उसे फेंट कर दी। ऑटो पाकर वह बहुत खुश था। ऑटो के चालक के रूम में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। रमन का जन्मदिन था तो उसके लिए काली पहाड़ी से शराब की बोतल और साथ में कुछ खाने के लिए लिया। ये रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह बेहद खूबसूरत थी, छोटे कपड़े पहने हुए थे, अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और रमन ने काफ़ी शराब पी हुई थी। रमन नशे में बेकाबू हो गया और लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा। वो लड़की चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो। रमन ने जबरदस्ती करने के बाद उस लड़की का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश पास में बहने वाले एक गंदे नाले में फेंक दी। ये सुनते ही पुलिस वाले आगे की केस को समझ गए, क्योंकि पुलिस वालों ने रमन की लाश का जो हाल देखा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि लाश के साथ जिस तरह क्रूरता की गई है वो कोई इंसान के साथ नहीं कर सकता। पुलिस ने उस केस की फाइल को 30 साल बाद फिर से खोला और रमन के मामा को फांसी की सजा दिलवाई। रमन को सजा तो वह लड़की खुद दे चुकी थी। रमन को उसकी हरकत की सजा देने के लिए वो लड़की मरने के बाद भी जिंदा थी।